विकास जांगड़ा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज फिलहाल आप यह रहे हैं बैड़क बाड़क चोपटा के पास। एक स्कूल है रेयान इंटरनेशनल स्कूल, जो कया जावा है वह एड इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों है। फिलहाल देखांगे वह आज त्योहार का दिन है वह क्या सिस्टम है, कितना स्ट्रक्चर बढ़िया है। मैंने देखा वह एड जिस तरह गवर्नमेंट स्कूल को नहीं होता सरकारी स्कूल हो है, उसी तरह से इस स्कूल के अंदर इतनी सुविधा कर रखी है। कैमरा मैन एक बार नीना घुमाइए, एक बार दिखाइए कितने बढ़िया पार्क है, बस की सुविधा सारी चीजें ही सुविधा है भाई। है आज भाई एक बार कैमरामैन अंदर आज एक बार अंदर पूछेंगे एक बार सारे तय। फिलहाल भाई देख सको मेरे साथ ये और देखो रियान इंटरनेशनल स्कूल बालक चोपटा, एक गाड़ी भी खड़ी भाई। फिलहाल आप पूछेंगे सारी बातचीत करेंगे भाई क्या है किस प्रकार से है। थोड़ा थोड़ा आज कैमरामैन जल्दी लगा, बच्चे भी यहाँ पे थोड़ा तैयारी में लगे हुए हैं, इनसे पूछते हैं। हाँ जी नमस्कार जी, क्या हाल है? बढ़िया सर, कैसे हो? बढ़िया जी, पूरा तैयारी में जुट रहे हो? हाँ जी, आज पूरी जिल जान से तैयारी पे जुट रहे हैं हम। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब क्योंकि एक साल में जो है ना ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा पर्व, और ये बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए खुशी का इजहार करता है ये कि ऐसा पर्व जो ना हमें मनाने का जो मौका मिलता है वो बार बार आए, इसलिए दिल से बच्चे लगे हुए हैं डेकोरेशन के लिए। तो हम भी चाहते हैं कि हम बच्चों के भविष्य के लिए इनको कुछ रचनात्मकता सिखाएं और सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है, जो हिंदुस्तान की असलियत है, उसको इन त्योहारों के माध्यम से हम बच्चों को दर्शाना चाहते हैं, बच्चों को दिखाना चाहते हैं, उनको संस्कार के रूप में देना चाहते हैं। अच्छा, बच्चों से बातचीत कर सकते हैं? हाँ, बच्चों से बात करो, ये सारे स्टूडेंट है। हाँ जी, हाँ, राम राम बेबी। राम राम सर। क्या नाम है आपका? नैंसी सर। नैंसी, तो कैसी चल रही है तैयारी? अच्छी चल रही है हमारी तैयारी। जो क्या डेकोरेशन कर लिया आपने? हमने लड़ियां लगाई है, रंगोली बनाई। दिखाइए एक बार कैमरामैन उगली साइड दिखा दे, कितनी बढ़िया तरीके से सजा रखी है भाई। मटकी डिजाइंस की है, मटकी डिजाइंस की है। और अब मटकी डिजाइंस देखो भाई, देखो भाई बहुत अच्छी तरह से आपने मतलब बच्चे ने बनाई की? हाँ, ये सारे बच्चों ने बनाई है, दिया डेकोरेशन की है। अच्छा अच्छा, मतलब जो संस्कृति है जो अपनी वो सारी की सारी दर्शाई जा रही है इनका रूप में भाई, इस प्रकार से है ये है वो है। अच्छा एक बार पाचन और घुमाइए, सारे बच्चे दिखाई दे एक बार, जितने भी है देख लो भाई सारे के सारे, इतना बढ़िया तरिया से यहाँ से डेकोरेशन कर रहे हैं। अच्छा यो किसने बनाया गुड़िया ये बताओ? देखो बच्चों ने बनाया है, कितना जबरदस्त कंस्ट्रक्शन इसकी है, बहुत ही बढ़िया, एक कागज से इसको बनाया गया है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा भाई, एक कागज से बनाया गया है, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि मॉल का लेकर ने यहाँ पे लटकाया हुआ है इसको। बाकी फिलहाल आप और यहाँ से बातचीत करते हैं सभी से एक बार, सारी की सारी लड़की कैमरा मैन दोनों का बात है भाई। अच्छा है कोई टीचर वगैरह, टीचर टूचर को नहीं के? अच्छा सर यहाँ पे धर्मेंद्र जी, कैसे हो सर? तो सर मन तो वैसे ही चक्कर लगा लिया है, देख के आप बढ़िया तरीके आप साफ सफाई भी हो रही है, के चक्कर है? जैसे कि आपने पता है दिवाली का त्योहार है, खुशी का त्योहार है, इंडिया के या विदेशों में भी जो इसको त्योहार को बनाया जाता है खुशी का त्योहार है, बच्चों में बहुत हर्षोल्लास के साथ बच्चे तैयारियां कर रहे हैं। अभी आए हो थोड़ी देर के बाद देखोगे पूरा स्कूल को है ना जैसे शादी में सजाया जाता है ऐसे सजाया जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल एक बार दिखाया इसको आपका स्कूल। हाँ जैसे आप देख सकते हो और क्लासों में भी जैसे बच्चे कैसे तैयारी कर रहे हैं, कैमरामैन को बोलूंगा कि सभी क्लासों में, सभी क्लासों में चलो विजिट करके आते हैं। हाँ बिल्कुल सर, आप विजिट कर सकते हैं, और टीचर सभी पूरी मेहनत के साथ। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों होगा? हाँ दोनों मीडियम है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे आते हैं। हाँ। जैसे कि हमारी टेंथ क्लास है, बच्चे अपने रूम को डेकोरेट करते हुए आइए मैं एक बार कैमरा में लगा बढ़िया तरीके से यहाँ पे रंगोली बनाई जा रही है, देख लो बच्चों के द्वारा भिन्न भिन्न कलरों से, और देख सको भाई जो है अच्छी तरह से यहाँ पे डेकोरेशन का जो सिस्टम क्रिएट हुआ है वो देख लो भाई, जिस तरह ऐसे यहाँ पे यूज कर रहे जो ये बनाए गए बच्चों के द्वारा, वेस्ट मटेरियल के द्वारा, कार्ड के द्वारा, कितनी अच्छी कलाकृतियां बनाई गई है, साथ में बच्चों ने खुद ही ने बनाई, बच्चों ने खुद ने बनाई है,
इतना बढ़िया तरीका से ये तुम लग दो मोल की लिया बिल्कुल ये बच्चों ने अपनी कलाकारी दिखाई उस वक्त हमारे पास 7 जिले थे केवल बिल्कुल तो वो 7 जिले कौन कौन से हैं ये बच्चों ने इस बार हमने 1 नवंबर को हमारे स्कूल के अंदर जब हमारा हरियाणा अलग हुआ जन्म दिवस मना था उसमें हमने एज इट इज वही मैप बनाया सेम टू सेम जब हमारे को वसीयत के रूप में ये 7 जिले हिस्से में आए थे हमारा बड़ा भाई पंजाब अलग हुआ था और हम छोटे भाई हरियाणा के वासी हैं और हूबहू बच्चों ने वही मैप बनाया जो हमें वसीयत के रूप में मिला था और आज जो ना बड़े होकर के हम 22 भागों में बंट गए 22 जिले हमारे पास हो गए हैं 7 से बढ़कर 22 और 5 और अभी खट्टर सरकार कह रही है कि वो अभी गर्भ के अंदर है वो 5 जिले और हो जाएंगे तो हम 27 भागों में बंट जाएंगे तो हमारा हरियाणा दिन दोगुनी रात दोगुनी उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त है इसलिए हमें बड़ी खुशी की बात है कि आने वाले समय में हमारा हरियाणा और भी उज्जवल बनेगा और सभी हरियाणियों के लिए एक अच्छा संदेश लेकर आएगा कि हम एकता के सूत्र में बंध कर यही तरक्की का मार्ग प्रशस्त करते हैं आओ सब हम 1 नवंबर को एकता दिवस और हरियाणा दिवस मनाएं धन्यवाद तो भाई आप देख सकते हो भाई सर ने बताया भाई जो मैप बनाया है जो 7 जिले है मैं शुरू में थे उनका सारा का बच्चा ने मैप बनाया रखा है बाकी आप और कमरे में विजिट करांगा मैं देखा है कितनी बढ़िया तरह से डेकोरेशन कर रखी है बच्चे ने इस तरह से सारा के सारी जो है इस स्कूल के बारे में बताया तू मैं रियान इंटरनेशनल स्कूल एक बार इन्हें भी दिखाई दे कैमरा मैन इतनी खुली जगह आपने कहीं में मिलेगी जो प्राइवेट स्कूल होते ना उसकी बात कर रहे हो मैं मतलब सबसे बड़ा स्कूल मेरे को यही लगा बहुत बढ़िया तरह से जैसे गवर्नमेंट स्कूल होता ना उसी प्रकार से आइए भाई एक बार यहाँ पे भी आप देख सकते हो कैमरा मैन यहाँ पे फोकस करना एक बार यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो बच्चे हैं बड़े चाव से इस पर्व के अंदर जो रंगोली बनाई जा रही है और वहां पर गुब्बारों से जो है बैलून से जो है डेकोरेशन की जा रही है बहुत बढ़िया तरीके से मस्त जी जी सर मतलब बच्चे तो कहा कर भाई एक दूसरे का कई स्कूल में लड़ाई करने लग जाए तो पूरा एकता का सूत्र में बन रहे हैं कई दिन से बच्चों के अंदर एक हौसला है बच्चों के अंदर जज्बा है कि हमारी क्लास सबसे बेस्ट डेकोरेशन के अंदर फर्स्ट आई और कई दिन से बच्चे इसकी तैयारी करने लग रहे हैं जैसे कि तैयारी से भी पता चलता है आपको कि बच्चों के अंदर कितना उत्साह है कि इस त्योहार पर हम किस तरह से अच्छी से सफाई कर सकते हैं और लोगों को कैसे मैसेज दे सकते हैं बच्चों की तैयारी देखकर भी आपको पता लगेगा मतलब एक सबसे बड़ा संदेश है भाई भाई जो एकता का सूत्र हुआ है बच्चों के अंदर अपन भी मतलब इसे तरिया करना चाहिए तो आज गुड़िया यहाँ पे आज क्या नाम गुड़िया आपका सर मेरा नाम मुस्कान है मुस्कान है तो कैसे लग रहा है आपको भाई यहाँ पर अच्छी तरह से काम करके आप डेकोरेशन कर रहे हो ये मतलब आप अपने आप में तो एक खुद का काम मानकर इस स्कूल की अच्छी तरह से जैसे सजावट कर रहे हो पहले तो ये बताओ इस स्कूल में पढ़कर आपको कैसा लग रहा है हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है हाँ। और खेल से संबंधित सभी मतलब सभी प्रोग्राम होते हैं इधर अच्छा सभी प्रोग्राम होते हैं आज फिर क्या क्या बनाया आपने सर यहाँ पर रंगोली डस्टबिन तैयार की है अब ये चल रही है सर अभी अच्छा सभी की डेकोरेशन चल रही है अभी मतलब पूरी कंप्लीट नहीं हुई है आप देख सकते हो भाई यहाँ पे तो अब सर और बच्चे जो है तैयारी करने लग रहे हैं अच्छी तरह से नेक्स्ट वो होता हमें सारे के सारे अच्छा इसमें इसके अंदर भी है क्या बच्चे यहाँ पे भी तैयारी कर रही है ऐड के बनाओ सर ये बस वो डेकोरेशन अच्छा डेकोरेशन अच्छा ऐड पूरा का पूरा सर एक तो मन स्कूल ने देख का चंबा होगा इतना बड़ा स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट की तरह अच्छा ये छोटे बच्चे हो गए ये नमस्ते नमस्ते बेटा नमस्ते लाइटिंग वगैरह भी जो है यहाँ पे लगाई हुई है बहुत अच्छी तरह से जो है यहाँ पे डेकोरेशन की हुई है
बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों का जो है त्योहार पर जो है इतना जोर दे रखा तो मन खुश होना। और यहाँ पर जो है मैडम भी जो है अच्छी तरह से इनको प्रोसीजर बताते हुए भाई इस प्रकार से करना है ये करना है सारा अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं सारे के सारे। चेक यो देखो छोटे बच्चों का रूम कितना बढ़िया तरीके से सजा रखा है भाई। आजे भाई को कैमरा वाओ बहुत अच्छी तरह से डेकोरेशन की हुई है अच्छी तरह मतलब छोटे छोटे बच्चे देखो कैसे बैठे हुए हैं इस पर्व पर इस त्योहार पर इतना बढ़िया तरह से आनंद ले रहे हैं बच्चों मन लगा हुआ आपका सारे तो भाई यार सर मतलब इनकी आवाज में भी इतना मिठास होता है भाई सुन के बहुत अच्छा लगता है। आज भाई एक बार यो देख लो भाई मैन बात तो मैं इस बात में अचंभित हूँ छोटी छोटी क्लासों के इतने बड़े बड़े रूम। गुड मॉर्निंग बच्चों नर्सरी क्लास एक बात कहूँ जी जिस तरह का इस स्कूल में देखूं भाई छोटे छोटे क्लास के छोटे छोटे रूम है लेकिन यार छोटी क्लास के भी इतने बड़े बड़े रूम कैसे। बिल्कुल बच्चों को जब है ना एक आरामदायक जगह बैठने के लिए खुली जगह मिलेगी ना तभी अपने आप का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। भीड़ी जगह होगी कम जगह होगी बच्चे ना तो अच्छी तरह से बैठ पाएंगे ना अच्छी तरह से उसके अंदर हवा की वेंटिलेशन। बिल्कुल सही रूम है ना और सबसे मेन जो कहा भी गया है किसी भी चीज का जो आधार होता है ना उसकी छोटी क्लास होती है। बिल्कुल सही बात है छोटी क्लासों में देखा जाता है एक बार तो इस प्रकार से सभी क्लासों में तैयारियां जो हो प्रॉपर रूप से चल रही है बहुत अच्छी तरह से बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं डेकोरेशन की डेकोरेशन कर रहे हैं अच्छी तरह से। गुड मॉर्निंग सिट डाउन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत मतलब अच्छी तरह से बच्चे आप देख सकते हो इनके अंदर इतना उत्साह भरा हुआ है अच्छी तरह से कैसे रिस्पेक्ट करनी है इस प्रकार से वो कैसे मतलब अच्छा ऊपर भी है क्या आ जाओ भाई एक बार ऊपर है ना इतना पुरुष नीचे इतना पुरुष ऊपर कमाल की बात है इतना बड़ा स्कूल मन्ना अपनी लाइफ में प्राइवेट स्कूल इतना बड़ा पहली बार देखा पूरा बड़ा स्कूल उसमें मतलब कॉलेज नहीं फैल कर इतना बड़ा स्कूल है। गुड मॉर्निंग सिट डाउन लगे दिखा दे एक बार पूरी डेकोरेशन। आई एम फाइन एंड यू ओके सिट डाउन। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर इतनी बढ़िया तरह से डेकोरेशन चल रही है ऊपर की तरफ मतलब जितना पोर्शन नीचे नहीं जितना बड़ा ऊपर भी उतना बड़ा है। एंड ना जब एक बार कैमरा में लगे बच्चे जो यहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं अच्छी तरह से बहुत बढ़िया तरीके से आप देख सकते हो अच्छी तरह से अपने मौन धारण करे हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी जो टीचर है उनका पालन कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से आप देख सकते हो। अच्छा मास्टर जी जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे पढ़ाते हो सारे के सारे बच्चे हैं बच्चे अभी रूम अभी थोड़ा इनका तैयार करना रहता है जैसे बच्चे ना मतलब एजुकेशन के मामले में बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। अच्छा बहुत बढ़िया तरीके से वो तो पता ही चलता है अच्छी तरह से देखो हाँ कि कैसा उत्साह है बहुत बढ़िया तरीके से देख लो भाई। गुड मॉर्निंग ये देखो भाई ये अपनी पुरानी संस्कृति अच्छी तरह से बच्चों ने सजाया हुआ है इसको इतने बढ़िया तरीके से इनको तैयार किया हुआ है और भी तैयारी पे लगे हुए हैं बच्चे आप देख सकते हो यहाँ पर यह अपना जी लास्ट रूम था। तो भाई इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। तो सर जी मेरा लास्ट सवाल है
जो आप यहाँ स्कूल के अंदर कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं, कौन सी से कौन सी क्लास तक पढ़ाते हैं? ये अपना स्कूल है ना, नर्सरी क्लास से लेकर 12th क्लास लग है, 12th क्लास जिसमें प्लस वन और प्लस टू ओनली गर्ल्स है। अच्छा, ओनली गर्ल्स है। जी सर। अच्छा, प्लस वन प्लस टू फिर बॉयज क्यों नहीं ले रहे? बॉयज ऐसे है सर, आपने बताया आजकल का माहौल कैसा है, लेकिन देखते हुए बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए और एक पेरेंट्स है ना, अपने आप को सेफ महसूस करे। बिल्कुल, पेरेंट्स भी अपने जैसे लड़कियों को ऐसे भेजते हैं, भाई ऐसे स्कूल में भेजे जिससे उनकी सुरक्षा अच्छी तरह से रहे। शिक्षा से पहले सुरक्षा जरूरी है। बिल्कुल जी, चलो जी, धन्यवाद आपका। तो भाई इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, और इस शेयर क्यों कर दियो, अपनी संस्कृति जो है कायम हाज भी स्कूल में आप देख सकते हो, इतने अच्छी तरह से बच्चे मैनेज कर रहे हैं, इतने बढ़िया तरीके से। और मतलब रियान इंटरनेशनल स्कूल, मतलब इतना बड़ा स्कूल, मैंने गवर्नमेंट स्कूल ते भी बड़ा स्कूल लग गया, और इतना बढ़िया तरह से यहाँ पे फैकल्टी दी हुई है, इतनी अच्छी तरह से बजड़ा नु अगर इन्वायरमेंट बढ़िया होनी और बच्चों को शिक्षा अच्छी तरह से मिलती, क्योंकि उसका दिमाग भी फ्रेश होना जरूरी होता है। मेंटली तौर पर दिमाग का फ्रेश होगा खेलने से, कूदने से, सारा जो खुला एरिया होगा तभी होगा। तो वीडियो ने हो गया रेड फिलहाल। भाई बच्चों ने हमने पूरा का पूरा प्रोग्राम तार लग दिखाई दिया है, रंगोली वगैरह जो भी डेकोरेशन कर रखी थी, लास्ट में दोनों सर खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों के बारे में। हाँ जी, नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको और आपके जितने भी चैनल के साथी है, सब्सक्राइबर है, उनको सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा शुभ नाम धर्मेंद्र जी है। तो सर आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे, जिस प्रकार से बच्चे क्या करते हैं, चोट खा लेते हैं, हाथ में पटाखे ले लेते हैं, उससे उनकी जान को खतरा हो जाता है, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे बच्चों? जैसे दीपावली है ना, खुशी का त्योहार है, तो हम सोचते हैं कि बच्चे इसको खुशी खुशी मनाए, और जितना भी पटाखों से इस प्रकार की विस्फोटक चीजों से दूर रहे, पोल्यूशन से बचाए, और एक इको फ्रेंडली जो इन्वायरमेंट है उसको पैदा करे। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी सर, नमस्कार जी। सर नमस्कार। आपका शुभ नाम? शुभ नाम मेरा अमित कुमार है। मैं आपके चैनल को देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सबसे पहले तो भारतवर्ष के हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्व दीपावली के पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो सर एक बात बताइए, हम देख रहे हैं जैसे पराली वगैरह चला रहे हैं, प्रदूषण पहले ही बहुत ज्यादा हो गया है, अब बच्चे, मान लो बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन वही बात है, बच्चों को जिस प्रकार से हम सिखाएंगे वैसे ही चलेंगे, वो तो पटाखे वगैरह चलाते और ज्यादा प्रदूषण होगा इसके बारे में, ठीक है? तो आज एक दिवाली पर एक ऐसा संदेश दे दो बढ़िया है, जिससे बच्चे भी और मतलब कोई भी हो युवा पीढ़ी के अंदर जो मतलब इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रख रहा है, तो उसके बारे में आप क्या सलाह देना चाहोगे? सबसे पहले तो पत्रकार महोदय, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में हमारे विद्यालय बंद है। अगर विद्यालय सुचारू रूप से नहीं चलेंगे तो समाज के अंदर शिक्षा कैसे आएगी? उसके लिए मैं सभी क्षेत्र के जो समाज सेवी लोग हैं या हमारे सरपंच साहिबान हैं, विद्यालयों से भिन्न भिन्न शिक्षक महोदय हैं, सभी से निवेदन है कि बच्चों को और किसान साथियों को भी जो हमारे अन्नदाता हैं उनको भी जागृति फैलाने की आवश्यकता है कि विदेशी चीजों का बहिष्कार करें। पटाखों से हमारे बच्चों के ऊपर बहुत सारे दुष्परिणाम आते हैं, वातावरण में भी खराबी आती है, इसलिए सभी से निवेदन है कि ये दीपावली दीपों का त्योहार है, अपने मन के अंदर आशावादी दीप जगाकर ही दीपावली के पर्व को मनाएं। बिल्कुल जी, धन्यवाद जी। तो भाई विकास जांगड़ा चैनल देखने वाले सारे दर्शकों का रिक्वेस्ट है, इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, ताकि एक समाज को संदेश मिल सके बढ़िया है, भाई जिस प्रकार से किस प्रकार से बच्चों ने अच्छी तरह से इस पर्व को मनाते हैं, वो कभी भी अच्छी तरह मतलब ये दीपावली का अर्थ क्या होता है, भाई दीप मतलब जो बुराई होती ना, उन बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को अपनाना, तो उन अच्छाइयों को अपनाने के लिए आपको एक अच्छे टीचरों की जरूरत होगी। जो हमने यहाँ पर देखा, पूरा का पूरा स्टाफ बहुत ही एक मेहनती स्टाफ, बहुत ही बढ़िया स्टाफ है, मतलब मैंने देखा यहाँ पे आके इन्वायरमेंट भी बहुत बढ़िया लगा। तो मैं एक बार इन टीचरों खातर जरूर कहूँ, मैं एक इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, ताकि हर टीचर को ये संदेश मिल सके कि हर मतलब कोई भी आ जाओ
उसको सभी को इक्वल समझना चाहिए, सभी को बराबर समझना चाहिए, अपने से कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।